एक्यूपी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हेलो, मैं तो बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते मेजी नमस्ते एंड सर, बाकी कैसे हैं सब आप? जो भी देख रहे हैं। मैं तो बढ़िया जी, हूँ, बस सबसे पहला मजा आ रहा सवाल, है। क्या हाँ करेंगे आप इन 1 लाख रुपयों का? थोड़ा रखेंगे, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। जी, ये काफी बार हमें सुनने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चीज लगती है सुन के कि हाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बट सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों में जब आपकी टीम उतना बेहतर नहीं खेल रही थी, आप बहुत बेहतर खेल रहे थे, उस वक्त आपकी मानसिकता किस तरीके से थी? और जो चौथे और पांचवें दिन पे हमने देखा कि आप भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो तो आप खेल ही रहे थे, बट आपकी टीम एज अ टीम बहुत बढ़िया खेलने लगी। स्टार्टिंग जो 3 4 दिन थे उसमें मतलब मेरी टीम के वजह से ही मैं अच्छा खेल रहा था। फिर जी लास्ट के 2 दिन कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ अब तो बहुत इजी लग रहा है, मारो, मारते गए, जीत हो गया। फिर टीम को भी कॉन्फिडेंस आ गया, हो गया। दूसरे दिन पे ड्रिगर ने 17 फिनिशेस निकाले थे, चौथे दिन पे ड्रिगर ने 17 फिनिशेस निकाले। आपको आपको एक बार के लिए लगा कि वो जो पहला पायदान है कहीं मेरा छिन ना जाए? नहीं ऐसा मतलब हमारे इसमें ऐसा नहीं है कि एमवीपी कौन बनेगा, मतलब कोई बने, टीम से बन रहे ना खत्म। क्योंकि ड्रिगर ड्रिगर कैसा मतलब अभी उसने किल्स लिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे भी जी मैं फर्स्ट पे चल रहा था पेंटा में, तो कुछ भी ऐसे स्टार्टिंग के जो किल्स होते हैं, जैसे किसी के पास गन नहीं हो तो बोलता है मेरे को जी एक ही, तू ले, तू एमवीपी पे चल रहा है, तू ले ले। तो वो टीम स्पिरिट है। चलिए, वो चीज देखने को मिलती है। बट एक चीज जरूर पूछूंगा कि अगर 10 में से आपको नंबर देने हो कि आपका टीम सपोर्ट कितना था आपके लिए, तो आप कितने पॉइंट्स देंगे? 100। 10 में से 10, ये चीज काफी हाँ टीम बेहतर रही। सपोर्ट है तभी हम कुछ कर मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बैक देखने वाली मेरी टीम है, मैं फिर अपना फ्री करेक्ट। होके खेलता हूँ कि हाँ आगे खेलना है। जी, वो सबसे ज्यादा बेहतर। बट अगर इस पूरे पेंटा इन्विटेशनल की बात करी जाए, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा था कि स्ट्रेस बस्टर टाइप का था, मतलब दिन भर से कस्टम खेल के और फिर यहाँ पे पूरा स्ट्रेस उड़ जाता था, और फिर मजा भी आता था कि मतलब कि एक अच्छा भी लगा कि यार हाँ हम लोग टॉप पे चल रहे हैं। फिर लास्ट मैच में ऐसा 12 बंदे आते हैं मारने के लिए एक टीम के लिए, फिर भी हम जीत जाते हैं, फिर भी हम जीत गए, तो हम वहां पे मजा आया। विस्गॉड से पूछ रहे थे कि क्या एक्सपीरियंस रहा जब 3 टीमें आपके ऊपर उतरी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टॉप फ्रैगर रह के, आपकी टीम टॉप पे रह के कैसा फील हो रहा था कि यहां पे एलिमिनेट हुए तो फिर क्या होगा? नहीं मेरे को इतना, मैं तो इतना श्योर था कि मैं अगर कोई भी मेरे को यहाँ पे ही मारता था ना, मेरे को कोई बीट ही नहीं कर सकता है लास्ट मैच में, जी कितने भी किल निकाल के। अरे और मेरे को मतलब मैं बोलता हूँ कि काश मेरे ड्रॉप पे कोई आ जाए यार, मेरे को किल मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में किल मिल जाए तो मोमेंटम बहुत अच्छा चलता है, जी, मजा आ गया था। बट वो फिर थोड़ा सा 3 2 3 आ गया तो ज्यादा हो गया, फिर वो थोड़ा वो चीज ज्यादा आपके हो लिए गया सही भी निकाल था। आप आपने फिनिशेस वहां तब भी निकाल लिए, मुझे लगा था 2 फिनिशेस ले लिया। जाएंगे, वो एक नॉक था, वो फिनिश नहीं हो पाया। चलिए, थैंक यू सो मच एकेओपी हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और जो गेम आप है भी आप ऐसे ही खेलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर आपका, श्योर। एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी टीम को और आपको भी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट।